तो टाइगर की सबसे अच्छी चीज यही है कि क्रूज में लगा के छोड़ दो, ना एक्सीलरेशन देने की जरूरत ना कुछ, और बाइक चलती रहती। तो आज का हमारा प्रोडक्ट है लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत काम की चीज है, उसका नाम है राइडिंग बूट्स। सबसे जरूरी चीज क्या होती है राइडिंग बूट में कि ब्रेक इन पीरियड, मतलब आप जब जूता पहनते हो ना तो जूता काटता है। उसके बाद जिंदगी में आए, वुडलैंड टाइम बदला, सब बदला, बाइक बदली, मैं बदल गया, लेकिन जूते नहीं बदले। तो ये एक मेरे टाइम पे बहुत फेवरेट जगह थी मेरी, मतलब जब नया नया ड्रोन आया था तो हम आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे लाते ही पहले दिन ही मैंने ड्रोन को क्रैश कर दिया था। तो या तो आज इतिहास दोहराएंगे या फिर आज इतिहास बदला जाएगा। अंदर है टैन टैन, तो दिखता है कुछ ऐसा, गिरोगे भी ना, एंकल की हड्डी इसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अब वाटरप्रूफ में ये दिक्कत होती है कि आपका जूता ब्रेथेबल नहीं होता, मतलब उसमें से हवा पास नहीं होती। अगर आपको वाटरप्रूफ जूते चाहिए तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ चलते फिरते अनबॉक्सिंग। तो आज चलते फिरते कहाँ निकले वो तो मुझे भी नहीं पता, अभी तो मैं निकल चुका हूँ यहाँ से। अभी मैं सोच रहा हूँ कि या तो सीधा जाऊँ या यहाँ से करंजा डैम की तरफ जाऊँ, तो चलते रहते हैं, जहाँ मन करेगा वहाँ रुक जाएंगे। मौसम है बड़ा सुहाना, टाइम हो रहा है 5:48 हो रहा है, सामने काले बादल और साइड में सूरज देवता, लेकिन सूरज देवता का बिल्कुल भी प्रकोप नहीं है, मतलब मौसम इतना अच्छा आज। तो ठीक है, जो आज का हमारा प्रोडक्ट है लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत काम की चीज़ है, उसका नाम है राइडिंग बूट्स। मतलब अब तक तो वुडलैंड ने इतना अच्छा साथ दिया, अगर आप देखोगे तो अभी भी मैंने वुडलैंड पहना हुआ है। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है राइडिंग बूट में कि ब्रेक इन पीरियड, मतलब आप जब जूता पहनते हो ना तो जूता काटता है, तो आपको कम से कम 50-60 किलोमीटर जब चला लेते हो ना, उसके बाद आपको लगता है कि वो जूता आपके पैर में मतलब सही से बैठ गया। तो मैंने लिए थे वुडलैंड आई थिंक 2015 या 2016 में, और तब से लेके अब तक वुडलैंड ही चल रहा है। मुझे याद है 2012 में जब मैंने राइड शुरू करी थी तो सबसे पहले मैंने पहने थे अपने पापा के एयरफोर्स वाले बूट, वो 2-3 साल चले। उसके बाद जिंदगी में आए, वुडलैंड टाइम बदला, सब बदला, बाइक बदली, मैं बदल गया, लेकिन जूते नहीं बदले। तो जूते तब से चल ही रहे, मतलब ये वाले नहीं, इससे पहले भी एक था, तो मतलब आप बोल सकते हो कि वुडलैंड पे टिका हुआ हूँ। अब आ चुका था ये जूते चेंज करने का टाइम, इसलिए नहीं कि ये जूते फटने वाले, जूते कहीं से नहीं फटने वाले, थोड़े गंदे हैं, धुलते ही साफ हो जाएंगे, लेकिन मैंने सोचा यार अब राइडिंग बूट में इन्वेस्ट कर ही लेते हैं। तो टाइगर की सबसे अच्छी चीज़ यही है कि क्रूज में लगा के छोड़ दो, ना एक्सीलरेशन देने की ज़रूरत ना कुछ, और बाइक चलती रहती है, तो लास्ट 10 किलोमीटर से ऐसे ही चल रही है। अभी मैंने सोचा है कि हम यहाँ पे चलते हैं। तो अगर आपको याद होगा 20-25 वीडियोस पहले, मतलब जब नया नया ड्रोन आया था तो हम आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे लाते ही पहले दिन ही मैंने ड्रोन को क्रैश कर दिया था। तो या तो आज इतिहास दोहराएंगे या फिर आज इतिहास बदला जाएगा। तो बदलने से मेरा मतलब ये है कि आज हम बिना क्रैश करे उड़ाएंगे। तो बाकी बहुत देर हो गई क्रूज में चलते हुए, अब अगर आपको क्रूज हटाना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा एक्सीलरेशन देना है बस, और ये हट गया, हम चलते हैं यहीं पे। तो ये एक मेरे टाइम पे बहुत फेवरेट जगह थी मेरी, क्योंकि मैं कहीं घूमा नहीं था उस टाइम पे। जब मैं यहाँ पे आता था ना तो मुझे ये पहाड़ी से पानी दिखता था, तो मुझे पूरी गोवा वाली फील देता था, लेकिन टाइम के साथ शौक बदले, पसंद बदली। तो हम लगा देते हैं बाइक को यहाँ पे, और अब करते हैं हर बार की तरह अनबॉक्सिंग। अभी मुझे नहीं पता कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन वहाँ पे सामने बहुत ज़्यादा पानी है, तो जगह तो बहुत हरी भरी हो चुकी है। जब मैं लास्ट टाइम आया था तब तो सब सूखा पड़ा था, यहाँ पे 2 कुत्ते जो मुझे देख रहे हैं कि भाई साहब ये क्या कर रहा है। तो ये है अपना प्रोडक्ट। वैसे तो मैं टॉप बॉक्स भी लगा लूँ, लेकिन मैं इतना आलसी हूँ कि कौन उठा के यहाँ पे डब्बा रखे, वो भी एक इतने से डब्बे के लिए। मेरे पिताजी बोलते हैं, मेरे पापा बोलते हैं कि वो डब्बा लगा के ऐसा लगता है जैसे तू पिज्ज़ा डिलीवरी कर रहा हो। तो करते सबसे पहले डब्बे को अनबॉक्स। तो आज तो हमको डब्बा फेंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुराने वाले जूते इसमें रख के ले जाएंगे। अंदर है टैन टैन, तो दिखता है ये कुछ ऐसा। तो आप इसका MRP देखोगे तो ये है 4250। आपको बहुत ही सही प्रोटेक्शन मिलती है यहाँ पे, जिपर्स है। तो मेरा तो पैर 10 नंबर है,
बाकी अगर आप इसके बेस की बात करो तो बहुत अच्छी ग्रिप है, मतलब ये ऐसे इजीली स्लिप नहीं होगा अगर आप ट्रैक ट्रैक भी करते हो। लेकिन बाकी अगर प्रोटेक्शन वाइज देखो तो बहुत ही ज़्यादा कड़क। बाकी जूता कम्प्लीटली वाटरप्रूफ है, बाकी ये टैग निकाली तो ये जिपर सिस्टम है ना बहुत सही है। इसमें क्या होता है, अभी आप मेरा जूता देखोगे वुडलैंड का तो ये यहाँ पे लूज़ हो जाता है, तो जहाँ पे जिप होती है ना तो वहाँ पे आपका ये पैर आराम से पकड़ लेता है। तो अभी हम करते हैं इनका ट्रायल। तो ट्रायल करने से पहले वुडलैंड आज आखिरी बार, इसके बाद जब भी राइड पर जाएंगे तो हम पहनने वाले हैं राइडा के राइडिंग बूट्स। तो इसमें सबसे पहले अपना पैर घुसाते देखते हैं, 10 नंबर। ओहो हो, फिटिंग तो बिल्कुल सही है। अभी अंदर घुसा, फिटिंग तो अब पता चलेगी। तो अभी आप देखोगे तो इसको आपको ऐसे जिप लॉक करनी है। अभी ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई लोहे का जूता पहन लिया हो, मतलब ये इतना हाईली प्रोटेक्टेड है यार यहाँ पे। अगर आप कभी गिरोगे भी ना तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपकी एड़ी होती है और ये यहाँ पे जो हड्डी होती है एंकल की हड्डी, इसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगी। लेकिन सबसे मुश्किल काम है ब्रेकिंग पीरियड। तो आप कोई भी नया जूता या हेलमेट पहनते हो तो उसका एक ब्रेकिंग टाइम होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको 50, 60, 100 किलोमीटर चलाने के बाद आप वो जूते या हेलमेट के साथ एडजस्ट होते हो। तो इसमें मुझे ऐसा ही लग रहा है, अभी तो मुझे यहाँ से खाली 20 किलोमीटर जाना है, लेकिन 20 किलोमीटर में नहीं हो पाएगा। अब मुझे 2-3 दिन ये जूते पहन के ही घूमना पड़ेगा। तो अभी हम पहन लेते हैं राइड वाला। तो अगर आप प्रोटेक्शन देखोगे तो अंदर जो कपड़ा यूज़ किया गया है बहुत सही है। तो मतलब ये जूता एकदम वाटरप्रूफ है 100%। तो अगर आपका पैर यहाँ तक बच जाता और इसके ऊपर आप रेनकोट पहन लेते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब वाटरप्रूफ में ये दिक्कत होती है कि आपका जूता ब्रेथेबल नहीं होता, मतलब उसमें से हवा पास नहीं होती। तो अगर एक बार आपने ये गर्मी में पहन के चला लिए तो नो डाउट पसीना तो आना ही है। लेकिन अगर आपको वाटरप्रूफ जूते चाहिए तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैं अभी आपको बता नहीं सकता कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मेरे पैर अकड़ चुके हैं। मतलब अभी खड़े होकर दिखाता हूँ, ये देखो अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ लोहे का पहन लिया हो। तो ठीक है, अभी तो यहाँ पर दर्द हो रहा है थोड़ा, लेकिन आई नो 50-60 किलोमीटर लगेंगे इनके साथ एडजस्ट होने। तो मुझे याद है मैं यहाँ से एक ड्रोन शॉट ले रहा था और वो लेते लेते वो नीम के पेड़ में अटक गया ड्रोन। तो ठीक है, आज हम लेते हैं इस तरह। वैसे भी थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है। ठीक है, ये वीडियो के लिए बस यहीं तक ही रखते हैं। अगर ये वीडियो यहाँ तक देख लियो तो लाइक जरूर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो बेल आइकन दबा दो। और अगर दोनों काम कर रखे हैं तो एक छोटा सा बढ़िया सा कमेंट कर दो। अभी तो मैं जूते पहन के निकला हूँ, 10-15 किलोमीटर तो अभी चला लूँगा, बाकी के कल या परसों में देखते हैं। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 4,250, इससे सस्ते और इससे अच्छे राइडिंग बूट्स आपको कोई नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको ये लेने हो तो आप अमेजोन से डायरेक्टली ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप राइडा की साइट पर जाइए, वहाँ पर जाके Raider 20 और साथ में WS5, अगर ये दोनों कूपन कोड चेकआउट के टाइम पर लगा दोगे तो आपको आई थिंक 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ठीक है, ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब तो कुछ नहीं पता, हट जाओ बुलेट, हट जाओ। ओ चाचा जी, फोन साइड में रख लो ना भाई, अलग ही।